इफ्तार के बाद आप कह रहे हैं हम सबके फेवरेट बरकत उज़्मी, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? नहीं नहीं तो वाकई हैं फेवरेट, आप क्या इख्तलाफ करती हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल, किसके फेवरेट हैं ये? हम सबके, हम सब में कौन, हम सबके फेवरेट तो हैं, बताएं। ओए होए बस खत्म हो गया शेफ पुनीता, ये तो ये वाला पलड़ा तो बहुत भारी हो गया। अब पता है क्या, इसी जूस में आप खुदकुशी कर लें। अब मैं यहाँ खड़ी भी कर रही हूँ, पैकअप करो मैं जा रही हूँ। देखिए देखिए देखिए, रमजान की स्पिरिट है, रमजान में दोस्तियों को बहाल किया जाता है, ना कि दोस्तियां खराब की जाए। एक बात बहुत अरसे से आप लोगों से नहीं की, वो ये कि कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसे दोस्त जिनसे काफी अरसे दराज से आपकी बात नहीं हुई हो, कॉल कीजिए उन्हें और उनसे बात कीजिए, उनके हाल चाल पूछिए। आपको पता है हालात मुल्क के किस तरह के, और कभी कभी कुछ इस तरह के सफेदपोश लोग होते हैं जो कि अपने हालात नहीं डिस्क्लोज करते, नहीं बताना चाहते और शर्मिंदा होते हैं बताते हुए भी के हालात। सर क्या तुम बोरी सफेद पोशो, दो रुई नाक में, दो रुई कान में लगन लगाने अल्लाह, और अंगूठे बंधे हुए, और तुम मेकअप रूम में लेटी भी लोग बर्फ लगा के चले जाएंगे। आपको शर्म ना आई ये बोल रहे हैं रमजान के महीने में? मजाक करो। क्या रमजान के महीने में मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता? और रमजान के महीने में दुआ की दुआ और कबूल होती है भाई। और जन्नत के दरवाजे खुले हुए होते हैं, ऐसी बहाने चली जाओगी। मैं अभी नहीं जाना, मेरे बच्चे कौन पालेगा? आप पालेंगे? अरे बच्चे तो अल्लाह पालता है, अल्लाह पालता है। लेकिन ये अल्लाह ताला भाई आप सबको लंबी उम्र देगी, सेहत दे। लेकिन वही बात कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके घर वाले हैं, बहुत सारी फैमिली इस तरह की होती है जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह के लोग यकीनन होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से तंग दस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेशर वालदैन पे होता है कि बच्चों को ईद पे खुश कैसे करें। और दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग अपनी जेब काट के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं स्कूलों में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि वेल ऑफ होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, फिर बच्चों के बीच में जो मुकाबला चलता है चीज़ों का, तोहफ़ों का, ईद की कहानियाँ सुनाने का, और कुछ बच्चे जो कि कम फैमिली, मतलब कम एस्टैब्लिश्ड फैमिली से होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हुए कि आपके बच्चे बिल्कुल उसी तबके के स्कूल में जा रहे हो जिस तबके से आप बिलोंग करते हो। बच्चों की तालीम स्कूल से होती है लेकिन तरबियत घर से होती है, तरबियत पर ज़रूर जितनी भी माएँ हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को इस ज़हनी तनाव का शिकार नहीं बना सकते कि वो एक सोशल कॉलिंग के अंदर अपने आप को सर्व कर दें, अपने आप को अमीर दिखाने में सर्व कर दें, और वालदैन अपने आप को काट काट के बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी करें जो कि सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए हो, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं जी हम बड़े सही हैं। तो आपको अपनी जेब देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और जिन लोगों की जेब अल्लाह ताला सारा साल भरे रखता है, ओवरफ्लो रहती है, उनसे गुजारिश है कि आज ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है इसके अंदर अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के, अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग जो है जो कि नहीं कह पाते लेकिन आपको पता है कि वो मुश्किल से दो चार हैं, उनकी खामोशी से मदद कीजिए, और खामोशी से मदद करने के बेतहाशा तरीके आपने फिल्मों टीवी में देखे हुए होंगे, तो ये ज़रूर आपने इस महीने करना।